गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सू डिज़ाइनिंग। और आज मैं जो ब्लाउज़ की डिज़ाइन लेके आई हूँ, बहुत ही यूनिक लेके आई हूँ। हमेशा की तरह कुछ स्पेशल इस ब्लाउज़ में। आप देख सकते हैं, ये अंगरखा पैटर्न में मैंने कॉलर डिज़ाइन बनाया है, जिसका मेन पार्ट है इसकी स्लीव्स। स्लीव्स को मैंने कुछ प्लेट्स वाली दी है, आप देख सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही ईजी है, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो वियरिंग के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है। कॉलर भी बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत ही सिंपल वे में मैंने इसे बताया है, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके लिए जो मैंने फैब्रिक यूज़ करा है वो टापेटा लिया है, 1 मीटर फैब्रिक की 1 मीटर लाइनिंग है। और साथ ही मैंने इसमें कैनवास लिया है और स्लीव्स के लिए मैंने अदर कपड़ा लिया है। सो आइए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ बैक पार्ट की कटिंग करना है। लेंथ चौड़ाई आपको जितनी भी लेनी है, यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो मेन पार्ट है कि यहाँ पर हमें पेक वाला बनाना है, तो यहाँ पर हमें शोल्डर के अकॉर्डिंग इस पार्ट की कटिंग करनी है। सो आइए अब हम अपना फ्रंट पार्ट भी कट करते हैं। तो बैक पार्ट को रख के आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेना है। अब ध्यान रहे कि यहाँ से हमें 1 इंच लेना है। आप ये 1 इंच स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे अंगरखा पैटर्न बना रही हूँ इसलिए मैंने 1 इंच आगे से भी ज़्यादा लिया है। और जो नॉर्मल टक्स के लिए हम पीछे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं वो हमें लेना ही है। देन फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को हमने मेन फैब्रिक पे कट कर दिया है। फ्रंट पार्ट पे अंगरखा पैटर्न की कटिंग करनी है, तो यहाँ से हमें 3.5 लेना है। देख लें, ब्रश पॉइंट के ऊपर लेना है। कोई भी आपको 3.5 या 3 इंच आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे मार्क कर लिया। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब 1 बाय 1 एक एक स्टेप फॉलो करते जाइए, बहुत ही ईजी वे में आप ये ब्लाउज रेडी कर पाएंगे। देन हमने इसकी कटिंग कर दी है। सो लाइनिंग पे ये कट कर दिया है। अभी ध्यान रहे कि आपको नेक की कटिंग नहीं करनी है, नेक हम बाद में कट करेंगे। मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, बट आपको वो चीज़ स्किप कर देना है। देन यहाँ पे हमने इसको मेन फैब्रिक पे भी कट कर दिया है। अब हम इसको अल्टर करेंगे, आई पट्टी और हुप पट्टी लगाकर इस पार्ट को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि चौड़े वाले की तरफ मैंने हुप पट्टी रखी और सकड़े वाले की तरफ मैंने आई पट्टी रखी। सो 1 बाय 1 हम जैसे रेगुलर ब्लाउज में करते हैं, आपको इसको डन कर देना है और ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर गला कट करेंगे। हम अगर पहले से गला कट कर देते हैं या नेक कट कर देते हैं तो इतना प्रॉपर हमसे नहीं बन पाता। अब हम बाद में कट करेंगे नेक तो बहुत ही प्रॉपर बैठेगा। सो आप देख सकते हैं कि मैंने आई पट्टी और हुप पट्टी को बिल्कुल जमा लिया है, उसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने के बाद नेक कट करा है, जिससे नेक हमारा बहुत ही प्रॉपर कट हुआ है। सो यहाँ पर हमने फ्रंट नेक को बॉटनेक में कट करा है, जिसका मैंने मेजरमेंट दिया हुआ है। और देन यहाँ पर हमने बैक पार्ट के जो नेक कट करना है उसको भी हम या तो सेम भी कट कर सकते हैं, या मैंने यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कट करा 1 इंच, तो आप वो भी ले सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। सो आम होल आप देख सकते हैं मेरे फ्रंट पार्ट के ज़्यादा कट करें, जिससे फिटिंग बहुत ही प्रॉपर आएगी। सो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों को कट कर लिया है, नेक को, और यहाँ पर हमने आई पट्टी भी डन कर ली। अब इसके लिए हमें यहाँ पर गला पट्टी लगानी है, तो हम यहाँ पर बचे हुए लाइनिंग से यहाँ पर गला पट्टी कट करेंगे। गला पट्टी हम जैसे नॉर्मल कट करते हैं वैसे ही कट करनी है हमें। यहाँ पे कोई हमें विशेष अलग तरीके से कट नहीं करनी और ना ही हमें कैनवास का यूज़ करना है। सिंपल वे में हमने यहाँ पे गला पट्टी कट कर ली है और इस नेक पट्टी से हम इस पार्ट को अल्टर कर लेंगे। सो आप यहाँ पर चाहे तो गोट भी लगा सकते हैं, बट आपको सिर्फ यहाँ पर तुरपे पट्टी लगानी है। अब नीचे आपने देखा होगा मैंने बॉटम में कंगूरे लगाए हैं, ये डिज़ाइन मैंने ऑप्शनल लिए, अगर आप चाहें तो इसको डिज़ाइन को स्किप भी कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से मैंने एक साइड के कंगूरे कट कर दिए और सेकंड तरफ भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। सो 1 बाय 1 हमने दोनों साइड के कंगूरे अल्टर कर लिए हैं, कट कर लिए। देन नेक भी हमने बिल्कुल प्रॉपरली डन कर लिया है। सो अब इन कंगूरों की कटिंग कैसे करनी है मैं आपको बैक पार्ट में बताती हूँ। सो आपको कुछ बैक पार्ट लेना है इस तरीके से। देन आपको इक्वली अगर कंगूरे कट करना हो तो सबसे पहले सेंटर से 2 इंच की मार्किंग लीजिए। देखिए, आप 2 इंच ले, 2.5 इंच ले, जितना भी ले, आपको इसी तरीके से इस कपड़े को फोल्ड करना है। सो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करा है। देन आपको पीछे का पार्ट को नहीं लेना है। देन यहाँ पर हमने 1 इंच के यहाँ पर मार्किंग करी है और कुछ इस तरीके से शेप दिया है। पीछे के पार्ट को हमने इसलिए नहीं लिया है, मैं आपको आगे बताऊंगी कि उस पार्ट को हमने क्यों इसमें इक्वल नहीं करा है। सो कुछ इस तरीके से अंदर की साइड से हमने इसको कट कर दिया और आप देखिएगा पूरे पार्ट में एक ही तरीके से इक्वली कंगूरे आ गए हैं। हमने ये इसलिए इसको छोड़ा था क्योंकि ये पार्ट हमारा ऑलरेडी फिटिंग में चला जाता है, इसलिए वहाँ कंगूरे लेने से कोई मतलब नहीं है। देन इसको हम कैनवास से जैसे हम गला पट्टी अल्टर करते हैं वैसे के वैसे इसको हम अल्टर कर लेंगे। तो 1 बाय 1 हम बैक और फ्रंट दोनों में कुछ इस तरीके से रेडी कर लेंगे। और हाँ, बैक पार्ट में हमें टक्स पहले लेना है, उसके बाद कंगूरे अल्टर करने, और सेम फ्रंट पार्ट में भी पहले टक्स लेना है फिर इसको अल्टर करना है। तो कुछ इस तरीके से हमने पूरा अपना बेस तैयार कर लिया है। अब हमें इसके यहाँ पर कॉलर लगानी है।
कॉलर लगाने के लिए हमने यहाँ पर अपना अस्तर का कपड़ा लिया है। अगर आपके पास पूरा मेन फैब्रिक नहीं है तो आप इसको ज्वाइंट भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा मैंने लाइनिंग को बीच में से ज्वाइंट कर रखा है। अब सबसे मेन चीज़ है जो आपको इस कॉलर को जब कट करो तब बिल्कुल प्रॉपरली अपने मेन फैब्रिक को जमाना है। जैसे आप देख सकते हैं कि हल्का सा मेरा तिरछा जा रहा है, तो आपको भी ऐसा ही रखना है। ये कपड़ा उठा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा जमा हुआ होना चाहिए ताकि मेन कपड़े पर अपन इसकी कटिंग इजीली कर सकूँ। सो इस तरीके से इसको रख कर पूरा आपको प्रॉपर शेप दे देना है। और जब आप शेप रख के अगर कट करेंगे ना तो आपकी कॉलर बिल्कुल प्रॉपर बैठेगी। आप पीटर पिन कॉलर बनाओ, नॉर्मल कॉलर बनाओ या जेंट्स कॉलर बनाओ, आपको इसी तरीके से कट करनी है। सो कुछ इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है। अब देन यहाँ से जो चौड़ाई लेनी है कॉलर की, वो आप 2 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 इंच भी रख सकते हैं, जितना चाहे उतना आप ले सकते हैं। हम 2.5 लेंगे तो ये हमारी कॉलर बनने के बाद 2 इंच की रह जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमने ये पूरी मार्किंग कर ली अपने लाइनिंग पर और अब हम इसको प्रॉपर वे में कट कर लेंगे। सो वन बाय वन आप सारी चीज़ें फॉलो करते जाएं। और भी लेटेस्ट डिज़ाइन के लिए आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए लेटेस्ट डिज़ाइन के लिए। सो कुछ इस तरीके से हमने इसको कट कर दिया है। अब हम इसके मेन फैब्रिक पर भी कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर कट करने से पहले एक बार हम अपने मेन पार्ट पर इसको लगा के देख लेंगे कि हमारी कॉलर प्रॉपर है या नहीं है। छोटी बड़ी हो तो हम इसको और प्रॉपर कर सकते हैं। देखिए अगर आपकी कॉलर छोटी बड़ी हो रही हो तो आप इसमें सल भी ले सकते हैं, उसको और प्रॉपर भी कर सकते हैं। मेन पार्ट में भी नेक की तरफ पीछे की तरफ सल ले सकते हैं। सो आपको अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। सो अब हमें यहाँ से इसका शेप तिरछा देना है ताकि हमारी नेक का कॉलर का लुक और भी ज़्यादा प्रीटी आए। तो आप इसको इस तरीके से तिरछा कट कर दीजिए और अब हम इसको अपने मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो एज इट इज़ हमने इसको रख के मेन फैब्रिक पे भी कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने अपने लाइनिंग के साथ भी इसको जमा लेना है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कैनवास भी लगाना है। कैनवास बिल्कुल भी स्किप तो नहीं करना है। स्टिच करना है तो आप देख सकते हैं एक साइड हमने स्टिच कर दी और दूसरी साइड इसका ओपन रखा है। तो ऊपर और नीचे से हमने दोनों तरफ से इसकी सिलाई लगा दी और इसको कुछ इस तरीके से हम अल्टर कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ग्रे कलर की कॉलर लगाई है बट मैंने एक्चुअल में ब्लाउज में पिंक कलर की लगाई जो कि मेरे ब्लाउज के साथ बहुत ही अच्छा गेटअप आ रहा था। सो आप इस तरीके से कंफ्यूज ना हो। सो कुछ इस तरीके से जो हमारा खुला पार्ट था उसको भी हमने पैक कर दिया है। इसमें बाद में हम तुरपे ही कर लेंगे। सो ये हमारी कॉलर डन हो गई है। इसको हम एक बार और लगाकर चेक कर लेंगे कि ये प्रॉपर है या नहीं है। सो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ग्रे कलर की लगाई है बट एक्चुअल में मैंने पिंक कलर की कॉलर लगाई थी जो कि ज़्यादा स्मार्ट लग रही थी। अब मैं आपको बताती हूँ इसको लगाना कैसे है। बहुत ही सिंपल वे में इसे हमें लगाना है। सो सबसे पहले हमने अपने ब्लाउज को सीधा रखा है, देन कॉलर के पार्ट को हमने उल्टा रखा है। आप देख सकते हैं कि इसे सीधा रख के कॉलर के पार्ट को हमने उल्टा रखा है और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर फ्रंट में आगे की तरफ सिलाई लगाएंगे और इसको इस तरफ से अल्टर कर देंगे जिससे कि हमारा कॉलर का मेन पार्ट है वो बाहर आ जाएगा और कॉलर का लुक बहुत ही परफेक्ट आएगा। सो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने कॉलर को लगाया है और इसको अल्टर करने के बाद मेन फैब्रिक हमारा सामने आ गया है। यहाँ सिलाई हम बिल्कुल कॉर्नर पे लगाएंगे। और भी ऐसे लेटेस्ट डिज़ाइन के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और आप देख सकते हैं कि मैंने ये पिंक कलर की कॉलर लगा कर डन कर ली है जिसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा था। सो ये हमारा पूरा डन हो गया। आप चाहो तो यहाँ बटन भी लगा सकते हो बट मेरे पास ये छोटे छोटे से ब्रोचेस थे तो मैंने इनको लगा दिया है जिससे ब्लाउज़ का लुक और भी ज़्यादा प्रीटी आ रहा है। आप चाहे तो इसके कंगूरे में भी लगा सकते हैं। सो ये हमारा कॉलर नेक रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पर बॉटम में हमने कंगूरे भी दे दिए। अब हमें इसका मेन पार्ट है जो कि स्लीव्स है। तो स्लीव्स को हम बनाते हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट थी स्लीव्स की, पहले भी मैंने एक ब्लाउज में डाला था। तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम को डेली मेरे देखा करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आइए अब इसकी स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो जो स्लीव्स के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा में पिंक कलर का जामा का फैब्रिक लिया है जिसको मैंने इस स्लीव्स में यूज़ करा है। सो यहाँ पर हमने एक सिंपल स्लीव्स बनाई है जो कि हम यूजुअली बनाते हैं बट पेपर पे कट करना है इसको। यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया है। देखिए बीच का पार्ट आपको और चौड़ा लेना है तो आप ले सकते हो बट अगर आप पेपर पे कट करके बनाएंगे तो स्लीव्स आपकी बहुत ही प्रॉपर बनेगी। तो कुछ इस तरीके से मेन पार्ट को अलग कर लिया है। ये वाला पार्ट हम ग्रे बनाएंगे और बीच वाला पार्ट हम पिंक करेंगे। सो आइए इसकी कटिंग करते हैं। सो ये हमने ग्रे कलर का सेक्शन निकाल कर इसको अल्टर कर लिया है। अब जो बीच वाला पार्ट है आप देख सकते हैं, बीच वाला पार्ट है उससे आप देख सकते हैं मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये क्यों एक्स्ट्रा लिया है आपको बाद में समझ में आएगा। सो ये चीज़ को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब हम इसमें जो ऐसे ऐसे हमें प्लेट्स डालनी है उसकी कटिंग कैसे करनी है, लंबाई और चौड़ाई कैसे लेनी है। सो सबसे पहले उसकी जो चौड़ाई लेनी है वो 5 इंच लेनी है। तो इस तरीके से हमने चौड़ाई निकाली। अब एक एक जो ब्लॉक बना रहे हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी
कितनी लेनी है, तो उसकी चौड़ाई हमें 3.5 इंच लेनी है, और चौड़ाई हमने जो 5 इंच ली है वो लेना है। देखिए सिंपल सी स्लीव्स लगती हैं, बट थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना है बनाने में, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा लुक इसका डिफरेंट हो जाएगा। सो हमने इसको अल्टर कर लिया है। अब इसके सेंटर में जो हमें पार्ट लगाना है उसको हमने मेन फैब्रिक और अस्तर के साथ अल्टर करा है, क्योंकि ये चीज़ दिखेगी, इसलिए आपको लाइनिंग के साथ इसको मेन फैब्रिक भी अटैच करना है। अब देन जो बीच के पार्ट्स थे, हमने जो ये छोटे बेल्ट कट करे थे, इसको हमने यहाँ पे सिलाई लगाकर अल्टर कर लिया है। आप अल्टर नहीं भी करोगे तो चलेगा। सो यहाँ सिलाई लगा लिया, अब हमें यहाँ पर इसको प्लेस करना है। सो देखिए बहुत ही बेसिक सिंपल सी चीज़ का ध्यान रखना है आपको, कि इसका पैक वाला हिस्सा सबसे पहले तो सामने की तरफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वन बाय वन आपको इसको लगाना है, सेंटर से ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आप अभी देखते जाइए आपको समझ पड़ जाएगा। सो कुछ इस तरीके से हमने इसको जमाना है, और इस तरीके से हमने, आप देख सकते हैं ये सेंटर से बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और इनकी जो गैपिंग होनी चाहिए ना वो भी इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज़ उसका लुक बिल्कुल प्रॉपर नहीं आएगा। वन बाय वन अल्टरनेट आपको लगाना है, आप चाहे तो यहाँ अल्टरनेट कॉम्बिनेशन का भी ले सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से हमने इसको पूरा जमा लिया है और इक्वल डिस्टेंस में इसको रखा है, और बीच की सेंटर लाइन भी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसको स्टिच कैसे करना है, तो कुछ इस तरीके से आपको इक्वल इक्वल रखते जाना है और इस पर सिलाई लगाना है। आप देख सकते हैं कि नीचे से मैंने इस पार्ट को अल्टर नहीं करा है, ये पट्टी आपको नॉर्मल भी रखोगे स्टिच करी हुई तो भी चलेगा, आपकी स्लीव्स में कोई शो नहीं होने वाली। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको लगा देना है, और वन बाय वन एक इधर और एक इधर रखते जाना है, और इसको अल्टर करते जाना है, और इनका डिस्टेंस जो रखना है वो इक्वल रखना है, ताकि आपकी स्लीव्स का लुक बहुत ही सही आए। सो ये लास्ट वाली भी हमने इसको लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा एडिशनल कपड़ा है उनको कट कर कर इसको पूरा हम स्टिच कर लेंगे वन बाय वन। सो बहुत ही सिंपल वे में ये हमारी प्लेट स्लीव्स रेडी हो गई है। आप यहाँ पर चाहे तो एक ग्रे और एक पिंक भी ले सकते हैं, या आप कॉन्ट्रास्ट में बनाएंगे तब भी बहुत ही प्यारे लगेगी। ये डिज़ाइन आप बैक में भी लगा सकते हैं, और फ्रंट में भी नेक में दे सकते हैं, और साथ ही साथ ये डिज़ाइन आप सूट में भी दे सकते हैं। सो आप लोगों को, बहुत लोगों को ये लगता है कि हम, मैं सूट के डिज़ाइंस नहीं बनाती हूँ, पर आप ये जो नेक है, ये कॉलर है, ये स्लीव्स, ये सब चीज़ें आप अपने सूट्स में भी दे सकते हैं। सो प्लीज़ ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी इशू तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिएगा, और भी ऐसे लेटेस्ट डिज़ाइन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर DM कीजिएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसा ही स्पेस रहेगी, और नीचे से आप इसमें तुरपाई कर सकते हो, पट्टी लगाकर इसको अल्टर कर सकते हो, या गोट भी लगा सकते हो, और फाइनल लुक कुछ इसलिए उसका इस तरीके का दिखेगा। ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, और पिंक कॉलर का लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ रहा है। सो और भी ऐसे लेटेस्ट डिज़ाइन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी गाइज़।